आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये द्विघात बहुपदों के शून्यक दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें उसका योगफल और गुणनफल निकालना है, और इसके शून्यांकों को निकाल के और योगफल और गुणांक की सत्यता को भी देखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 का यूनिट फर्स्ट ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ मैं इधर रफ वर्क कर लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 4 और यहाँ पर कॉमन मिलेगा 2, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग फैक्टोरियाइजेशन क्लास 8 में सीखे होंगे, 9th में भी सीखे होंगे। यहाँ से मैं एक्स माइनस 4 को बाहर ले रहा हूँ, हमारा बचा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह x के दो मान आया 4 और माइनस 2। ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ये जो इक्वेशन दिया है उसका ये शून्यक हुआ। अब हमको शून्यकों का योगफल दोनों मेथड से निकालना है, एक फार्मूला के थ्रू और एक ये जो दिया है उसके थ्रू। तो यहाँ शून्यांकों का योगफल, शून्यांक कहिए या मूल कहिए, तो शून्यकों का योग 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2, और शून्यकों का योगफल एक सूत्र द्वारा ले लीजिए, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस माइनस 2 और बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 हुआ। तो शून्यकों का योगफल तो वेरीफाई हो चुका है, दोनों विधि से 2 और 2 आ रहा है। अब गुणनफल पर चलते हैं। लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 8, और शून्यकों का गुणनफल का एक फार्मूला होता है अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा इस इक्वेशन में क्या है, देखिए इस इक्वेशन में अचर पद क्या है, माइनस 8। तो यहाँ पर लेंगे माइनस 8 बाई ए के जगह पर हमारा क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सेम पहले वाले क्वेश्चन पर कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन 4 पे चल रहा हूँ, जो ये वाला है 4u² प्लस 8u को सॉल्व करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, कॉमन लेंगे 4u, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u के दो वैल्यू आएगा,
ये हो जाएगा ज़ीरो और ये प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू। अब इसके बाद हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मूलों का योग फल ज़ीरो प्लस माइनस टू। ये हमारा मूल है, मूल कहिए या शून्यांक कहिए दोनों एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस टू। और एक सूत्र के द्वारा मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स का गुणांक एक्स के जगह पर यू के टर्म में है, तो यू का गुणांक कितना हुआ एट, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और एक्स का गुणांक एट और एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का गुणांक फोर, तो इस तरह ये माइनस टू है। सेम आप हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो ज़ीरो इंटू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, और सूत्र के अनुसार करेंगे तो अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है, इसमें कहीं भी अचर पद नहीं है, तो अचर पद के जगह पर क्या करेंगे ज़ीरो और एक्स स्क्वायर यानी फोर इक्वल टू ज़ीरो। अतः दोनों ही तरीकों से हमारा जो है मूलों का योगफल इक्वल आ रहा है और गुणनफल इक्वल आ रहा है, तो इसकी सत्यता क्या है, सही है। सत्यता साबित हुआ, यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यांकों तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर दूसरा का सॉल्यूशन, ये गुणनफल और योगफल दोनों दे दिया है, तो बहुपद का सूत्र होगा द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें सॉल्व कर दो, पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। यही हमारा रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण हुआ। सिमिलरली आप ऐसे ही इन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे, मैं एक और करके दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और मूलों का योग जो दिया है क्वेश्चन में,
यहाँ पर क्या दिया है, अंडर रूट टू और गुणनफल वन बाई थ्री, इसका यूज़ करेंगे नीचे। तो मूलों का योगफल कितना दिया था, अंडर रूट टू प्लस मूलों का गुणनफल वन बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। थ्री से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री से ज़ीरो में गुणा कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर दो के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नावली को चलेंगे। तब तक के लिए